Now we will talk about uh, sampling distribution or confidence intervals for population means. Because mostly in real life situation, when we are doing a survey, a group research or a thesis, we are mostly calculating means and standard deviations. So, you have population and you have taken sample mean calculate. the Now you are going to estimate the mean of the entire population by constructing a confidence interval in a similar way where we constructed a confidence interval for proportions so computing a confidence interval for population mean we can try to estimate population mean when all we have available is a sample um, of measurement from the population mean sample all we need from the sample are its mean standard deviation and the number of observations proportion सैम्पलिंग uh, डिस्ट्रीब्यूशन में जिस तरह हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल्स फॉर्म किए बिल्कुल इसी तरह हम मीन्स में भी उसी फार्मूला के तहत करेंगे और हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर्म करने के लिए तीन वैल्यूज़ चाहिए एक उसका मीन एक उसका स्टैंडर्ड स्टैंडर्डियेशन या स्टैंडर्ड एरर और एक हमें उसका एन साइज चाहिए होगा कंस्ट्रक्टिंग अ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन रूल ऑफ रूल फॉर सैम्पल मीन इज इफ न्यूमरस सैम्पल ऑफ द सेम साइज आर टेकन द फ्रिक्वेंसी कर्व ऑफ मीन्स फ्राम द वेरियस सैम्पल्स विल बी बेल बेलशेप वही बात जो मैंने बहुत दफ़ा की है कि अगर एक पॉपुलेशन में से हम सैम्पल्स ड्रॉ करेंगे हर सैम्पल का मीन निकालेंगे और उस मीन को प्लॉट करेंगे ओना फ्रिक्वेंसी कर्व तो उस कर्व की जो शेप है प्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होगी द मीन ऑफ द कलेक्शन ऑफ सैम्पल मीन्स विल बी द सेम एज द मीन ऑफ द पॉपुलेशन मीन यानी अगर हम उन सारे सैम्पल्स को उनकी मीन्स को प्लॉट करें और फिर उन सारे सैम्पल की मीन्स का मीन कैलकुलेट करें तो वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल होगा एंड द स्टैंडर्ड एविएशन अब तो हमें जबान याद हो गया दैट इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एन अंडर रूट द स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड एवियेन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स वुड बी इक्वल टू सिग्मा ओवर एन अंडर रूट द स्टैंडर्ड एविएशन फॉर द पॉसिबल सैम्पल मीन्स इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड एरर हमें ऑलरेडी पता है और फिर इन अदर वर्ड्स हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ़ मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एविएशन यानी पॉपुलेशन का सिग्मा डिवाइडेड बाय एन अंडर रूट हाउ वी कंस्ट्रक्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल अगेन हमारा फॉर्मूला वही है जो हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए फाइंड uh, आउट किया है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए कि हम उसमें पहले हमने किया था कि हमने पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन सैम्पल के प्रोपोर्शन में हमने किया था सैंपल प्रोपोर्शन प्लस माइनस जेड स्टैंडर्ड एरर जो कि इक्वल था पी माइनस पी और वन माइनस पी और डिवाइडेड बाय एन और अंडर रूट इसी तरह हम कॉन्फिडेंस इन ट्रेवल फॉर मीन्स के लिए हम करेंगे साम्पल मीन अब हमारे पास पॉपुलेशन की कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है हम करेंगे सैम्पल मीन प्लस माइनस z जो हमें याद हो गया हुआ है कि 95 परसेंट के लिए हमारा 1.96 है और ये तो आपको हिफ्ज हो गया होगा अभी तक के स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू सिग्मा ओवर n अंडर रूट चलें जी इसको आपने प्लस माइनस कर देना है जेड इंटू स्टैंडर्ड एर को मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास कॉन्फिडेंस इन ट्रवल फॉर मीन्स फॉर्म हो जाएगा जिसमें अगेन हम 95 परसेंट श्योरिटी कॉन्फिडेंस के साथ एस्टिमेट uh, कर सकते हैं कि पॉपुलेशन का मीन क्या होगा सो द फार्मूला फॉर नाइन्टी फाइव परसेंट कॉन्फिडेंस इन ट्रवल मैंने ऑलरेडी पीछे लिख दिया है विच इज सैम्पल मीन प्लस माइनस जेड इन टू सिग्मा ओवर एनडर दिस फॉर्मूला शुड बी यूज ओनली वैन द एन साइज इज ग्रेटर देन थर्टी मैंने पहले भी बताया कि अगर हमारा एन साइज स्मॉलर होगा तो हमारा जब जैसे हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं हम अगले कुछ लेक्चर्स में टी टेस्ट पढ़ेंगे अभी हम जी टेस्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें हमारा जो शेप ऑफ जी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से बनती है लेकिन टी का ज़्यादा फ्लैटर होता है क्योंकि सैम्पल साइज छोटा होता है टेल ज़्यादा थिकर होती हैं और डिस्ट्रीब्यूशन हमारा इस तरह से नहीं बनता सो so, हम कॉन्फिडेंस इन टर्वल फाइंड आउट करने के लिए मोस्टली हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं अगर हमारी सैम्पल साइज़ थर्टी से ज़्यादा हो टू कम्पियोर टू नाइन्टी फाइव परसेंट कॉन्फिडेंस इन फॉर द पॉपुलेशन मीन बेस्ड ऑन अ स्मॉलर सैम्पल मल्टीप्लाई लार्जर दैन टू इज़ यूज विच इज़ फाउंड फॉर्म ऑफ अम टी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करेंगे तब मैं आपको बताऊँगी कि उसमें हम डिनोमिनेटर uh, में एन माइनस वन कर देंगे टू फाइंड आउट करने के लिए लेट्स डू एन एग्जाम्पल इन सी के हाउ इट वर्क अली गॉट अ साम्पल ऑफ थर्टी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड फाउंड मेन एज फॉर दैट साम्पल वर्टी थ्री ईयर्स उसने अली ने थर्टी स्टूडेंट्स का साम्पल निकाला है यूनिवर्सिटी के अंदर से ही उससे पता चला है कि मेन एज जो है वो थर्टी थ्री ईयर्स है और स्टैंडर्ड डिविएशन 4.3 है सो नाउ दिस इज सैम्पल स्टैंडर्डिएशन एंड दिस इज सैम्पल मीन लेकिन आपने क्या करना है आपने पॉपुलेशन की मीन को एस्टिमेट करना है सो वॉट इज द 95% फाइव परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर एवरेज एज ऑफ एंटायर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स सो नाउ यू रिमेंबर कि हम इसको क्या करेंगे हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला लिखना है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन्स, और हमें पता है कि सैम्पल मीन प्लस माइनस जेड इंटू सिग्मा ओवर एन अंडर रूट सो हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड एरर निकालनी है स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए हमारा सिग्मा ओवर एन अंडर रूट है वैल्यूज प्लग इन करेंगे सिग्मा हमें नहीं दिया हुआ तो हम पॉपुलेशन की बजाय सैम्पल की स्टैंडर्ड डिविएशन लिखेंगे विच इज़ फोर पॉइंट थ्री एन हमें दिया हुआ है विच इज़ थर्टी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पॉइंट सेवन एट सो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर्म करने के लिए हमारे पास मीन सैम्पल एज थर्टी थ्री है और फिर हमने z फाइंड आउट ऑलरेडी किया हुआ है विच इज़ वन पॉइंट नाइन सिक्स और यहाँ पे हमारे पास यही वाली वैल्यू है फोर पॉइंट थ्री जो कि सैम्पल की स्टैंडर्ड स्टैंडर्डविएशन है और n अंडर वूड विच इज़ थर्टी अंडरवुड तो जब मैंने इसको सॉल्व किया है और इसको मल्टीप्लाई किया है वन पॉइंट नाइन सिक्स के साथ तो मेरे पास आंसर आया है वन पॉइंट फाइव फोर ये पॉइंट सेवन एट आता है वन पॉइंट फाइव फोर आंसर आया है सो पॉइंट सेवन एट को जब मैंने वन पॉइंट नाइन सिक्स से मल्टीप्लाई किया तो इट इज़ वन पॉइंट फाइव फोर इसको मैं खोलूँगी एक दफ़ा माइनस करूँगी वन पॉइंट फाइव फोर और एक दफ़ा प्लस करूँगी तो इट इज़ इक्वल टू ट्वेंटी एट पॉइंट ज़ीरो सिक्स से लेके 34.54 थर्टी फोर पॉइंट फाइव फोर है सो नाउ इफ़ यू वॉन्ट टू एस्टिमेट पॉपुलेशन पैरामीटर विच इज़ द एवरेज एज ऑफ एंटायर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स तो वो मैं बता सकती हूँ 95 परसेंट कॉन्फिडेंस के साथ 95 फाइव परसेंट चोरिटी के साथ कि पापोलेशन की मीन इस यूनिवर्सिटी में 28 एट ईयर से 34.5 फोर ईयर्स के दरमियान होगी एंड अधर एग्जाम्पल वुड एंड क्लिक स्टडीड ग्रुप ऑफ एटी नाइन सेडेंट्री मैन फॉर अयर फोर्टी टू मैन वर प्लेस्ड ऑन अ डाइट एंड द रिमेनिंग फोर्टी सेवन वर्क पुट ऑन अर एक्सरसाइज रूटीन अब आपका है एक तरफ आपके पास uh, डाइट है और एक तरफ आपके पास एक्सरसाइज है राइट right? सो so उसने क्या किया कि 47, 42 मेन वर पुट इसका डाइट के ऊपर कितना है एन हमारा 42 है और 47 हमारे पास है एक्सरसाइज के ऊपर द ग्रुप ऑन अ डाइट लॉस्ट ऑन एवरेज ऑफ 7.2 पॉइंट वेट इसका मीन जो है 7.2 पॉइंट उन्होंने लूज किया है विदैंडर्डियेशन ऑफ थ्री पॉइंट सेवन के जी जबकि जो एक्सरसाइज पे थे द मैन हु एक्सरसाइज लॉस्ट एन एवरेज ऑफ फोर के जी तो इसका मीन हमारे पास फोर है विद द डेविएशन ऑफ थ्री पॉइंट नाइन के जी अब आपने क्या करना है आपने कॉन्फिडेंस इन फाइंड आउट करना है नाइन्टी फाइव परसेंट कॉन्फिडेंस इन फॉर बोथ और फिर आपने बताना है कि ओवरऑल पॉपुलेशन के अंदर जो भी इसने पॉपुलेशन डिफाइन की है कि अगर लोग एक्सरसाइज करेंगे तो कितना वेट लॉस होगा और जो डाइट करेंगे तो वो कितना वेट लॉस होगा सो आई हैव टू मेक अ 95 परसेंट कॉन्फिडेंस इन ट्रेवल फॉर एंथायर पॉपुलेशन इफ़ दे फॉलो अ डाइट प्लान टू लूज वेट एंड 95 परसेंट कॉन्फिडेंस इन ट्रेवल टू फॉर द पॉपुलेशन इफ दे फॉलो अ एक्सरसाइज प्लान और अगेन आपको पता है कि आपकी वैल्यूज आप लॉग इन करेंगे जो कि इक्वल है मीन प्लस माइनस जेड इंटू स्टैंडर्ड एरर और आप करेंगे मीन इज़ आपका सेवन पॉइंट टू प्लस माइनस वन पॉइंट नाइन सिक्स और स्टैंडर्ड एरर आपका बनेगा थ्री पॉइंट सेवन डिवाइडेड बाय सम्पल कितना है हमारा फोर्टी टू रूट और इसी तरह नाइन्टी फाइव परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल इसका भी मैं फाइंड आउट करूंगी विच इज़ मीन प्लस माइनस जेड इंटू स्टैंडर्ड एरर विच इज इक्वल टू फोर प्लस माइनस वन पॉइंट नाइन सिक्स इन टू इसकी स्टैंडर्ड एविएशन है थ्री पॉइंट नाइन और एन इसका है कितना फोटी सेवन सो वी विल सॉल्व गेट योर कैलकुलेटर्स एंड सॉल्व दिस तो इसमें आपके पास आ जाएगा इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो ये मेरे पास आ जाएगा पॉइंट फाइव सेवन वन सेवन पॉइंट टू प्लस माइनस वन पॉइंट नाइन सिक्स पॉइंट फाइव सेवन वन और ये वैसे इसको आप अगर टू से करना चाहें कि टू स्टैंडर्ड डेविएशन रफली अगर आपके पास नहीं है तो भी आप कर सकते हैं लेकिन वन पॉइंट नाइन सिक्स से भी आप कर सकते हैं और इसी तरह यहाँ पे भी आपका आ जाएगा फोर प्लस माइनस वन पॉइंट नाइन सिक्स इंटू दिस विल बी इक्वल टू पॉइंट फाइव नाइन सो आप इसको सॉल्व कर लें वैसे मैंने इसको आ, जो मेरे पास अभी सॉल्व हुआ हुआ है वो मैंने इसको टू से मल्टीप्लाई किया हुआ है यानी मैंने ऑन एवरेज टू स्टैंडर्ड डिवियशन देखा हुआ है प्लस माइनस रादर देन एक्जैक्ट वन पॉइंट नाइन सिक्स वैसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता इसके अंदर डेसिमल वैल्यूज़ में ही आता है यू कैन सी लेकिन फिर भी जस्ट टू तो बी एक्यूरेट तो दिस विल बी इक्वल टू सेवन पॉइंट टू प्लस माइनस वन पॉइंट वन जो कि इक्वल होगा किस तरह एक दफ़ा मैं वन पॉइंट वन माइनस करूँगी और एक दफ़ा मैं प्लस करूँगी इट विल बी सिक्स पॉइंट वन एंड देन एट पॉइंट थ्री और यहाँ पे मैं फोर प्लस माइनस टू इंटू पॉइंट फाइव नाइन सॉल्व करूँगी इसका भी वन पॉइंट वन ही आंसर आता है तो ये आ जाएगा फोर प्लस माइनस वन पॉइंट वन विच इज़ इक्वल टू टू पॉइंट नाइन से फाइव पॉइंट वन तक टू पॉइंट नाइन से फाइव पॉइंट वन तक सो so, यू सी के पॉपुलेशन के अंदर अगर कोई एक्सरसाइज प्लान करेगा तो उनका जो एवरेज वेट लॉस है वो टू पॉइंट नाइन से फाइव पॉइंट वन के दरमियान होगा और अगर आप डाइट वाली एक्सरसाइज करेंगे तो आपका एवरेज वेट लॉस जो है वो 6.1 से लेके 8.3 पाउंड्स के दरमियान आपका वेट कम होगा केजी सॉरी बिकॉज यूनिट इज केजी तो हम केजी में बात करेंगे सो वी कैन क्लियरली टेल कि आपका जो पॉपुलेशन के अंदर इफ समबडी विल फॉलो अ डाइट प्लान तो उसमें आपका वेट लॉस ज़्यादा है एज कंपेयर टू इफ यू आर ओनली डूइंग एक्सरसाइज देन द वेट लॉस फॉर द इंटायर पॉपुलेशन वुड बी बिटवीन टू पॉइंट नाइन टू 5.1.